आज कराची वाले में एक ऐसी फैमिली से आपको मिलवा रहे हैं जो खिलाड़ियों से भरी हुई है, मगर ये किस चीज़ के खिलाड़ी हैं ये चल के देखते हैं और मिलते हैं। जी व्यूवर्स, हम पहुंच चुके हैं आज अपनी मंजिल पे। आइए चलते हैं और मिलते हैं आज के कराची वाले से। जी व्यूवर्स, आप पहचान गए, आपने जान लिया आज के हमारे गेस्ट कौन हैं। हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेटर मौजूद हैं, एक ऐसा नाम जो अगर हम बात करें क्रिकेट की दुनिया की तो नाकाबिले तस्खीर नाम। एक पूरा ख़ानदान, एक पूरा घराना जिन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की क्रिकेट इंडस्ट्री के लिए। And he helped it on its way. And he left his options very late on that one, but in the end plays a nice back cut. Two runs, and Shoaib has posted his half century. Shoaib Muhammad is 50. John Bracewell now to Shoaib Muhammad. Oh, that's a full toss, and it's been sent on its way. And it's six runs. जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं शुएब मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे लिए ये बड़ा ग्रेट ऑनर है कि एक ऐसी फैमिली के मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं जो क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है आप लोग। अच्छा शुएब, क्रिकेट आपके घर के मतलब समझें कि आपने आँख खोली होगी तो क्रिकेट ही क्रिकेट चारों तरफ थी, तो समटाइम्स होता है कि बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं तो या तो उससे फेड अप भी हो जाते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए क्रिकेट में, तो इंस्पिरेशंस जो घर में थी वही इंस्पिरेशंस थी या कुछ और भी था? बेशक इसमें कोई शक नहीं कि शुरू से ये अंदाज़ा था कि डैडी का अलग करम से इतना पूरी दुनिया में नाम है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं और पूरी दुनिया मानती है, तो और पाकिस्तान में इतना नाम, तो मुझे भी नेचुरली फ्रॉम डे वन वो इंस्पिरेशन घर से ही ऑफकोर्स मिलती रही। और फिर नॉट ओनली दैट के खानदान का इतना बड़ा नाम पूरी दुनिया में, तो वो तो फिर मुझे भी वो एक इंक्विजिटिवनेस हुई कि मैं भी क्या इसमें पूरा आ सकूं और मैं भी कुछ कर सकूं और मेरी भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हो इसमें। तो मतलब इसे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब मैं जब 4 साल का था तो बहुत बीमार पड़ा, तो डिप्टेरिया हो गया और PIE के एक डॉक्टर इंग्लैंड से आए थे, उन्होंने बताया कि इसको डिप्टेरिया का इलाज करें, तो मैं जिना हॉस्पिटल में था, तो वहाँ मुझे याद है कि था वजीर मोहम्मद साहब, वो मेरे लिए क्रिकेट का बैट और बॉल लेके आए थे, जो कि मुझे हालांकि मैं 4 साल जैसे मैंने बताया लेकिन वो मुझे याद है। तो घर में बातें भी क्रिकेट की, तोहफे भी जो है वो क्रिकेट रिलेटेड ही मिलना, तो नेचुरली कोई और चीज में इंटेलिजेंस कभी नहीं हुई, जिस वजह से जो कि बहुत अच्छा हुआ मैं समझता हूँ मेरे लिए, और वो कुदरतन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में उसी फुटिंग्स में आता चला गया, और एक दिन अल्लाह ने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कराया। हाँ, जी माशाल्लाह, बिल्कुल। जो अभी बात हो रही थी कि वो ओनली फादर एंड सन इन द वर्ल्ड टू स्कोर ओवर 200 रन। बिल्कुल व्यूवर्स, ये बहुत ही अमेजिंग रिकॉर्ड्स इस फैमिली ने कायम किए हैं, और ये वाहिद बाप और बेटे हैं जिनके दोनों के 200 रन्स मौजूद हैं, और बड़े ही ज़बरदस्त काम किए हैं आप लोगों ने, अमेजिंग। मतलब आपने सुरखरू किया, ऐसा नहीं हुआ कि अगर हनीफ साहब के बहुत कोई ज़बरदस्त कारनामे थे तो आपने भी उसको मेंटेन करने की कोशिश की। बिल्कुल, खैर उनका जो कैलिबर जो दुनिया में माना जाता जाहिर सी बात वो अल्लाह ने बेतहाशा उनको, इसलिए उस टाइम के ऊपर क्रिकेट बेतहाशा ज़्यादा मुश्किल थी, हेलमेट्स वगैरह नहीं, और जो प्रोटेक्टिव गेयर था फैसिलिटीज वो इंफीरियर क्वालिटी की थी या थी ही नहीं, तो उसके लिए आपको करेज
आपका फोकस माइंड डिटरमिंड आपको इतना होना, विकेट नहीं लूज करके विकेट पे स्टे करना अगेंस्ट द फास्टेस्ट ऑफ बॉलर्स अराउंड, और अगर खुदा ना करता उनकी कभी बॉल लग जाती थी तो ग्लव पे भी लगती तो हाथ की उंगलियां टूट जाया करती थी, सर पे बास प्लेयरों के लगी तो डेथ्स हो गई या स्टील प्लेट्स आई सरों में, तो उस उसको काउंटर करने के लिए आपको करेज जो चीज थी वो सबसे बाजरी, वो स्किल तो अपनी जगह है लेकिन दिल आपको बड़ा रख के खेलना और फिर दुनिया में मनवाना ये अलग ही करा सकते हैं। बिल्कुल, वो बहादुरी से खेलना पड़ा ना, बहुत ही जरा फेस करना मामलात को, मतलब फिर एक टाइम तो ये आया कि इंग्लैंड के अंदर भी जब इतना दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह किए तो वहाँ बीबीसी वहाँ के स्कूलों में बच्चों को करेक्ट किस तरह क्रिकेट खेली जाती है तो डैडी की बैटिंग दिखाया ही जाती थी और कोचिंग काफी के लिए, कोचिंग के लिए कि किस तरह करेक्टिव वे और मींस जो होते हैं क्रिकेट खेलने के एंगल्स हैं और टेक्निक्स हैं तो वो दिखाया स्कूल में सिखाई जाती है। जबरदस्त। अच्छा शुएब, ये तो आपने क्रिकेट की बात हमारी चलती रहेगी, ये बताएं बचपन कैसा था और बचपन में कैसे थे? बचपन में ये था कि जब 499 वाला जो डैडी का वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसके उस बैट से मैं खेला करता था वहाँ सीमेंट विकेट पे, और एक दिन वही खेलते खेलते वो टूट भी गया और वो ऐसे ही ऐसी कहीं जगह पे, हालांकि उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए था लेकिन जिसका मुझे आज बड़ा अफसोस होता है कि वो उसको 499 वाले बैट को वो मुझसे टूट गया और उसको शायद वो पता नहीं कहाँ गया आज तक वो उसके बाद डांट नहीं पड़ी। नहीं डैडी को तो पता नहीं चलने दिया बहुत अरसे बाद जब तक, तो मेरे ख्याल उनका गुस्सा ठंडा हो चुका है। लेकिन बचपन में ये तक हबीब पब्लिक स्कूल में था और वहाँ क्रिकेट नहीं होती थी, सेवेंथ क्लास में जब हम आए तो बड़ा कोशिश करके वहाँ क्रिकेट शुरू भी करवाई, वहाँ गए और वो सारा सब हुआ तो, और फिर कॉलेज में जब हम जीते और फिर तरह मैं यही क्रिकेट कोर्स में एक दफा आया और फिर अंडर 19 और पाकिस्तान टीम में इस तरह एंट्री होती चली गई। ठीक है, बचपन में आप कैसे थे? शरारती से बच्चे थे? नहीं नहीं ऐसा नहीं था, मैं लड़ाका थे क्या थे? नहीं मैं नहीं समझता, बैट सर पे तो नहीं मारा किसी के? नहीं मुझे तो याद भी नहीं आता, एक दो शायद कभी किसी से हाथ से कोई लड़ाई कभी हुई हो। खाना की चोरी करना ज्यादा उस वक्त गलती ये करता था कि ड्रिंक्स वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक जो डैडी के साथ ग्राउंड पे गए इंटरनेशनल मैच वगैरह कभी यहाँ होता था तो बहुत मजेदार खाना या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह वो पीने का बहुत मुझे शौक था। अब अंदाजा हुआ कि कितनी गलती करता था मैं, लेकिन ये कि आज के बच्चों के लिए ये है कि ज्यादा हेल्दी फूड इनटेक और जूसेस और उस तरह में अपनी एक्टिविटीज को इंडल्ज रखना बहुत जरूरी होता है और पानी एट द सेम टाइम आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा। और आजकल तो बच्चे शुएब यही यूज कर रहे हैं कि वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जंक फूड्स हैं, उसी पे ज्यादा, मेरा ख्याल है वो बचपन की एक फितरत होती है। हाँ होती है, लेकिन जितना जल्दी उसको रेक्टिफाई कर ले जाए, उसको करेक्टिव मेजर्स कर लिए जाए और एम्फेसिस देते रहे तो एक दिन बच्चा जरूर सीख ही जाता है, तो जितना जल्दी। लेकिन वो बच्चा बड़ा हो चुका होता है उस वक्त, फिर भी बड़े होते तक उसकी सीनियर सिटीजन हो जाए जब तक तो नहीं, लेकिन उससे पहले खुद इंसान समझदार होता है और वो सही कर लेता अपनी गलतियों। जी बिल्कुल व्यूवर्स, बहुत ही समझदारी की बातें हो रही हैं, बचपन में भी समझदार थे और आगे भी समझदार हैं, मजीद आगे बातें करेंगे और शुएब से जानेंगे मजीद कुछ उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जवानी कैसी थी बता दीजिए सही से। कोई कॉलेज में गए थे लड़कियों के, तो लड़कियां तो दीवानी थी आपकी, बस कह सकते हैं, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा। उसमें वेस्ट इंडीज के हवाले से जो बात आती है वेव रिचर्ड की बात, और रन आउट हो गया और वो पाकिस्तान मैच जीता। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बड़ी मज़ेदार सी गुफ्तगू कर रहे थे, शुएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, एक बहुत बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का। अच्छा शुएब, बचपन आपने कहा कि बड़े सही बिल्कुल ऑर्गेनाइज थे, कोई बहुत नॉटी नहीं थे और सादा सा रहे, जवानी कैसी थी? इसलिए कि जब स्कूल से निकला, बल्कि स्कूल से बता दीजिए सही से, मैं बता रहा हूँ कि क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट ऐसी थी मेरी कि स्कूल से स्पेशल छुट्टी लेके मैं 3 बजे यहाँ से, खाना भी शायद नहीं खाता था जहाँ तक मुझे याद है,
चेंज करता था, साइकिल पे जाता था नेशनल स्टेडियम, वहाँ से तक आके शाम को आना, और फिर जब वापस आके थोड़ा फिर डिनर वगैरह करके 9 बजे तक मेरी आदत थी सो जाया करता था। अच्छा। और फिर से PIA क्रिकेट कोर्स में जब आए तो नेचुरली फिर हम पूरी दुनिया के टूर्स वगैरह पे भी जाते थे। क्रिकेटर्स के फैंस तो बहुत होते हैं ना, वो जैसे फैंस... अब जैसे अब इंडिया गए तो वहाँ नेचुरली फैन फॉलोइंग बहुत थी, और अरसे के बाद आप माशाल्लाह इतने गुड लुकिंग यंग, तो उस वक्त तो दास्ताने तो बहुत होंगी अखबारों में, फोटोग्राफ वगैरह बेताशा इंडिया में भी, जैसे जब गए तो 18-20 साल के बाद पाकिस्तान की टीम गई थी वहाँ, तो बहुत ज्यादा, और वो यही कहते थे कि हनीफ का बेटा कौन है, और तो नेक्स्ट डे मेरी तस्वीरें चाहे परफॉर्मेंस मेरी हो ना हो उसमें तस्वीरें आ रही थी, तो लड़के बड़े वो जेलस भी फील करते थे शुरू में कि इसी की फोटोग्राफ लगा देते हैं अखबार वाले, तो बहुत एक्नॉलेजमेंट भी ऑफ कोर्स मिली और हाइप, और वो एक मोरल बूस्टर भी था एक तरह से कि आप उस चीज को फुलफिल भी तो कर रहे हैं। लड़कियां तो दीवानी थी आपकी, बस कह सकते हैं बिल्कुल, मैं मना नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा, इसी के था इस तरह के, और मैं अपने आप को बड़ा थोड़ा सा उस वक्त तो हीरो थे आप, अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश करता है लाइक एनी अदर बॉय, तो मेरा भी ऐसे ही था। कोई यादगार कोई फैन आपका नहीं, कोई ऐसी कोई बहुत ही मद्दा, हम यहाँ कोई कॉलेज में गए थे लड़कियों के, तो उसमें ऑटोग्राफ के लिए कोशिश करते हुए वो शीशा टूटा हुआ था वहाँ, उनका हाथ कट गया था, तो बड़ा अफसोस हुआ था। अच्छा, तो डैडी कुछ नहीं कहते थे ये लड़कियाँ ज्यादा फोन कर रही हैं आ रही हैं? नहीं, भाई, जब मेरी आदत जाओ, जब मैं ऐसा होता था कि जब कभी ज्यादा कभी फोन पे मैं देखा जाता था तो फिर वो अपने तरीके से कोई ना कोई बात करके मैसेज पास जरूर कर देते थे। जब आप क्रिकेट खेल रहे थे आपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए, उसमें वेस्ट इंडीज के हवाले से जो बात आती है वे रिचर्ड की बात आती है कि वो आप कहते हैं कि 4 दफा आउट किया लेकिन रिकॉर्ड में कहते हैं नहीं जी 3 दफा, वो एक क्या मसला है? मैं इसलिए कहता हूं कि पहली 2 दफा जब मैं फर्स्ट टाइम उनको बॉलिंग करने आया तो वेरी फर्स्ट बॉल पे मेरी 2 दफा वो 2 मैचों में लगातार वेरी फर्स्ट बॉल पे आउट हो गए। पहली दफा मैं कॉट बिहाइंड क्योंकि हम उस वेस्ट इंडीज से मैच जीते और मैं इत्तेफाक से मैन ऑफ द मैच हुआ। सेकंड मैच भी हम जीते, वो पहली बॉल पे मुझसे आउट हो गए। फिर थर्ड टाइम शारजा में एक उन्होंने शॉट खेला तो मिड विकेट पे डीप मिड विकेट इजी कैच छूट गया पहले ही ओवर में, फिर वो उसमें छूट गया लेकिन नेक्स्ट ओवर में फिर वो मिड विकेट पे उन्होंने जोरदार शॉट मारा और वो कैच आउट हो गए। 3 दफा तो ये रिकॉर्ड में, चौथी दफा मैं इस तरह कहता हूँ, मैं जब यहाँ से मेरा नाम सेलेक्ट हुआ वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का एक टूर था 91 की बात है शायद, तो उसमें हुआ ये कि मुझे चिकन पॉक्स हो गए, मैं 10 दिन तक बिस्तर पे वहाँ सिडनी में बिस्तर पे था। अच्छा, मतलब ट्रैवल करती थी। 12वें दिन मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की टीम के साथ जब वो दूसरे शहरों से आई, और फिर हम लोग ब्रिस्बेन गए और वहाँ थोड़ा सा रनिंग अराउंड की। 13th डे पे ये मैच था वेस्ट इंडीज से, और मैंने भी किट करके बैठा था, मैं 10 दिन टोटल बेड रेस्ट पे था और 11 दिन लाइट रनिंग की थी, लेकिन शौक की बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ कि मैं खेलूं, नहीं खेलने के लिए नहीं कहा था, मैं बाहर बैठा, मैं 12th man भी नहीं था, 12th man साजिद अली थे उस मैच में। तो जावेद भाई एक ओवर के लिए उन्हें इशारा किया कि बाहर आना है उन्होंने, तो जैसे साजिद 12th man थे तो वो अंदर जा रहे थे, तो मैंने उनको आवाज दी साजिद मैं चले जाता हूँ, उन्होंने कहा आप चले जाए, तो मुझे शौक बहुत था, कॉन्फिडेंस भी होता है, वरना एक ओवर के लिए बहुत से लोग बचते हैं कि वहाँ कोई जैसे कि इमरान खान साथ फील्डिंग कर रहे हैं और कोई फंबल हो जाए तो उस तरह और गालियां पड़ने का खतरा होता है। सीनियर थे आपके वो बिल्कुल, तो मैं वहाँ गया स्क्वायर लेग की तरफ, रिची रिचर्डसन ने एक शॉट खेला और वहाँ से नॉन स्ट्राइकर से विव रिचर्ड्स भागते हुए आ रहे थे, तो अंपायर लेग अंपायर के साथ से मैंने रनिंग एक ही गो के अंदर वो थ्रो डायरेक्ट स्टंप से मारी तो वो 1.5 कदम के करीब बाहर थे और रन आउट हो गया और वो पाकिस्तान मैच जीता और फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया था पाकिस्तान को, वो जो ट्रायंगुलर सीरीज होती है उसके अंदर फाइनल जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया टीम फाइनल्स में आई थी, तो फर्स्ट टाइम ये इस तरह से एक एक्ट कुदरतन हुआ इस तरह और 4 दफा तो ये 4 दफा मैं कहता हूँ कि वरना शायद ये नहीं होता, तो मैं तो अपने लिए
आप मुतमईन हैं क्या भैया? आप तो चार दफा, आपकी परफॉर्मेंस तो अपनी जगह 100% पे थी। व्यूवर्स, ऐसे ही हम बात नहीं कर रहे होते कि बहुत ही ज़बरदस्त घराना, बहुत ही ज़बरदस्त जज्बात पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से मोहब्बत और कुछ कर गुजरने का वो जज्बा जो बचपन से इनके ब्रॉटअप एक इस अंदाज में हुआ है कि जिसमें इन्हें पता है शुएब को कि नहीं जी, हमने जो भी करना है, जो भी काम है, एक कमिटमेंट के साथ करना है और मुल्क के लिए करना है। अच्छा शुएब, आप लोगों ने, पूरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा डिवोशन के साथ काम किया और कभी आप लोगों का नाम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आया, वालिद साहब का आया, अंकल जितने थे, और ना आपका आया। अच्छा, बेटा भी अब थोड़ा थोड़ा एंटर हो रहा है इसी फील्ड में। जो बड़ा बेटे है शहजद, वो पीआईए की तरफ से वो खेल रहे हैं और मेहनत भी ताशा करते हैं। उम्मीद उनसे बहुत ज्यादा है, मुझे भी, डैडी को भी, कि जिस तरह मेहनत करते हैं और कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह वो दिन जरूर इंशाल्लाह जल्द आएगा जब वो भी पाकिस्तान के लिए खेले। लेकिन ये कि जैसे मैं आपसे बात हो रही थी, तो छोटे बेटे जो अयान, जिसकी डेथ हो गई 18 महीने पहले, हमें सब घर वालों को बहुत ज्यादा अफसोस है उसका, उसको भी बेतहाशा शौक था। बस यही कानून कुदरत है और खुदा की मसलहतें हैं। व्यूवर्स, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। पहले किसने किसको देखा और कहाँ देखा, आज इस राज पे से पर्दा उठाएंगे जरूर, चाहे शुएब चाहे या ना चाहे। ताकि मैंने इनके हाथ करने से पहले मैंने कहा बहुत मुबारक हो, मैं इनको लव करती थी। ठीक है, वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे शुएब मोहम्मद से, हमारे साथ मौजूद हैं शुएब मोहम्मद की फैमिली भी इस वक्त, और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा शेयर करें कि शुएब अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरह हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो? ठीक हूं। अच्छा ये बताएं, आयजा नाम है आपका। व्यूवर्स, आयजा ने बहुत प्यारी मुझे एक रिंग भी बना के दी है फ्लावर्स की, और ये देखिए, मैं कहूँगी कि ये ज़रूर दिखाइएगा, ये बड़ी कीमती है मेरे लिए भी, प्राइसलेस एक गिफ्ट दिया आयजा ने। अच्छा आयजा, डैड जो है प्यार करते हैं, डांटते हैं? अच्छा, हल्का हल्का डांटते हैं, किस बात पर ज़्यादा डांटते हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है। और वैसे प्यार करते हैं, वैसे प्यार करते हैं। और भाभी आपको क्या ओपिनियन है प्यार और डांट का? क्या बैलेंस फॉर्मूला है? माशाल्लाह से शुएब को बहुत कम ऐसे गुस्सा आता है, ठीक है, ज्यादातर अच्छे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत हार्डली ऐसा होता है कभी इनको गुस्सा आए ये कुछ बोल दें, बहुत कूल माइंडेड है। कभी इनको ये नहीं होता कि भाई मुझे खाना टाइम पे चाहिए या अच्छा गरम हो या ये हो, वो जो भी होगा, इवन आप कुछ भी रखा हुआ है ना, उससे ये माशाल्लाह से ये कि मतलब परेशान नहीं करते, नहीं बिल्कुल नहीं, तंग नहीं करते। अच्छा शुएब, लव मैरिज है आपकी, अरेंज मैरिज है? जी जी, लव है, लव मैरिज है। ठीक है, तो पहले किसने किसको देखा और कहाँ देखा ये बताइए, आज इस राज पे से पर्दा उठाएंगे जरूर, चाहे शुएब चाहे या ना चाहे। बिल्कुल जी, ये कराची में हमारा एक सैलून था, जैसे मैं बता रहा था, वहाँ जमजमा पे पहले डीएच के नाम से, और वहाँ ये नेचुरली एक्सपर्टीज इनकी जो थी उसको पॉलिश नेचुरली कर रही थी, और फिर साथ एक टाइम ऐसा आया कि फिर हमारा ये व्यू पॉइंट हुआ कि भाई एक इसको फर्दर ऑन कैरियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से शादी की जाए। और फिर कितनी संजीदगी से आप ये फैसला बता रहे हैं, ऐसे हुआ नहीं होगा वैसे। नहीं मतलब ये कि ऑल्दो के काफी टाइम लगा, इतनी सादगी से ये बात हुई होगी, इतना मतलब सिर्फ एक सेशन में, तो जाहिर सी बात है आपको भी पता ही नहीं हो सकता कितने चक्कर लगते थे सैलून के। आपका ठीक है प्रोग्राम इतना शॉर्ट, अच्छा वो दास्तान बड़ी है और वक्त कम है, ठीक है सही। तो बस इस तरह से ये सिलसिला माशाल्लाह से हुआ, और फिर उसके बाद तो आपने प्रपोज किया भाभी को कि शाजिया और मुझे आप बहुत पसंद हैं?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। इसी तरह का जी हाँ बिल्कुल बता देना, मैंने थोड़ी कहा था, मुझे क्या पता क्या कहा था। नहीं ऐसे ही हुआ कि जाहिर सी बात है इन्होंने तो बिल्कुल नहीं कहा, मैंने ही कहा था ठीक है बिल्कुल। और फिर उसके ऊपर मतलब समझ लें ये जरूर था कि मैंने इनके हाँ करने से पहले मैंने कहा हाँ बहुत मुबारक हो, मतलब मैंने अपनी तरफ से ही पूछा, इनकी तरफ से हाँ ली। और अभी ये खुद ही इकरार करवा लिया जब जिस वक्त बोला था एकदम हक्का बक्का जैसे इंसान रह जाता है तो, लेकिन ये इस तरह से मोमेंट था। और ठीक अच्छा शाजिया आपको कैसा लगा जब इन्होंने मुझे बोला, मतलब लिटरली मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अच्छा। और मैं तो बस वो हो गई थी, बस फ्रीज जैसे हो जाते, हाथ पैर ठंडे हो गए। और एक सर्दी भी, एक्चुअली हमने बाहरी शादी भी की थी तो वहाँ ठंड भी बहुत थी, तो मुझे और ये मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, बस बिल्कुल एकदम मुझे ऐसा फील हुआ कि ये तो पता नहीं ये क्या हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग तो अपने काम से एक जगह पे आए हुए हैं तो सही वहाँ पर, लेकिन इन्होंने काफी सरप्राइजिंग मुझे बाद में। तो आपको अच्छे लगते थे या नहीं लगते थे? नहीं मुझे सच्चाई से बताइएगा, मैं इनको लव करती थी। अच्छा लव कर, खामोश मोहब्बत थी बिल्कुल, बहुत ज्यादा मतलब मैं इनको लव करती थी और थोड़ा बहुत इनको भी आइडिया था डेफिनेटली, लेकिन ठीक है। और ये फेमस भी बहुत थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। तो लड़कियां जो इनके पीछे लगी रहती थी आपको वो तो अभी तक लगी रहती हैं, अभी तक लगी वो तो नेवर एंडिंग है। द रीजन इज क्योंकि स्पोर्ट्समैन है माशाल्लाह से, तो सेलिब्रिटीज के साथ ये थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलता ही है। ठीक है, तो कैसे हैंडल करती हैं इन सिचुएशंस को? बस कभी थोड़ा बहुत नोकझोंक हो जाती है, कभी ऐसे ही। तो मेन तो बात माशाल्लाह से कि मैं यहां हूं, मतलब एक चाहिए जाते वाते तो नहीं लड़कियों के पीछे? नहीं 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 नहीं, ऐसे तो बेचारे ही आए नहीं। इवन कभी जैसे इनको कोई डिनर भी जैसे कभी होते हैं लड़कों के, तो ये मोस्टली अवॉइड करते हैं कि नहीं जाते, तो घर पे माशाल्लाह से ये ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, और मतलब माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, जैसे बंदा शरीफ है। डैडी तो माशाल्लाह से मैं कहती हूँ कि बस नसीब वालों को ऐसी फैमिली या इवन ऐसे फादर इन लॉ जो है ना किसी को अगर मिले तो वो बहुत ही हाई फाई उसकी नसीब होंगे। खुश नसीब हैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब डैडी तो मुझे इतना इतना सपोर्ट करते हैं कि शुएब से ज्यादा वो मुझे ज्यादा। सही सही, तो मतलब बड़ा सुकून है जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह का बहुत एहसान है। कौन सी आदत ज्यादा इनकी परेशान करती है आपको? हाँ ये तो होगा, अच्छा सवाल है। वो आदत ये है कि आप इनको बोलते हैं शुएब साहब आप खुल रहे हैं पूरे, ये बिल्कुल शुएब सुने कभी अगर ये कुछ कर रहे हैं ना कुछ भी, तो फिर आप मुझे पता है कि मुझे इनको बोलना पड़ेगा 3-4 दफा ठीक है शुएब सुने सुने, फिर बोले देखा आप नहीं सुन रहे, बस वो सिर्फ इतनी सी ये है, अदरवाइज माशाल्लाह से अदरवाइज सही है। ठीक है, वो अपने काम में अगर इतना दिमाग मेरा कोई काम कोई भी कर रहा हो उसमें इतना दिमाग लगा हुआ होता है, और फिर अगर कोई आवाज बाद दफा आती है तो वो सुनने में भी नहीं आती। एक दफा मैं जा रहा था तो गन पॉइंट वो एक किसी ने मेरा फोन छीनने की कोशिश की, तो उसने मैंने थोड़ा गाड़ी आगे करके दरवाजा जल्दी से बंद किया, तो लड़कों ने कहा आपने क्यों ऐसा किया, मैंने कहा क्या किया, कह रहा वो कह रहा था कि आप फोन देते हैं कि नहीं वरना गोलियां उतारूं, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा था, मैं तो मुझे कुछ नहीं समझ आई। और तो बाद दफा इंसान का दिमाग ब्लॉक हो जाता है, लेकिन वैसे आप सुनते हैं इनकी घर में, वैसे हुक्म किसका चलता है, मतलब घर का कौन लीडर कौन है? लीडर तो हमारी मदर है, मदर है भी उन्हीं की। सही है, लीडर तो वो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैसे घर में बहुत सुकून है, ऐसा नहीं होता वो अजीब सा एक घर का माहौल होता है, ऐसा हमारा नहीं, बहुत फ्रेंडली है और अपनी मर्जी के सब खुद मालिक है, तो यहाँ ऐसे कुछ नहीं है कि भाई आपने ये क्या कर दिया, टिपिकल वो नहीं है एनवायरनमेंट, नहीं कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है कि खाना टेबल पे गरम लगा हुआ होता है ऑल द टाइम, बस जिस वक्त जिसको भूख लगे उस हिसाब से इंसान खा ले, कोई काफी केयरफ्री अल्लाह की मेहरबानी से फ्रीडम के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल, शॉपिंग वॉपिंग करवाते हैं? अल्लाह माशाल्लाह, शॉपिंग में तो इनफैक्ट मैं सोचती हूँ कि वो हम लोग उदयपुर में गए शादी के बाद ही, ठीक है, तो एक ज्वेलरी शॉप में गए, तो ज्वेलरी अब वो निकाल रहे हैं, उनकी आदत है वो आपको खाली हाथ नहीं जाने देते। अच्छा मैं बोली शे मुझे नहीं चाहिए, तो कह रहे नहीं चुप रहो तुम्हें नहीं पता। अच्छा वो दिखाया जा रहा है ये पहना जा, मतलब वो मुझे देख रहे थे कि मैं कह रही हूँ मुझे नहीं चाहिए। सही है, जब इनकी मदर ने ये लाहौर जा रहे थे तो एक ड्रेस वो ऑलरेडी लाई थी, तो उन्होंने कहा शे मुझे इसमें के दूसरे चाहिए,
उनकी शर्ट गुम हो गई थी, आई डोंट नो क्या हुआ। तो मैंने कहा आपने ये गलती कर दी है शुएब को बोल के। तो ये गए और यकीन करें जितने जिसके कलर्स थे ना वो सब ड्रेसेस अभी इवन बैग भरा हुआ एज इट इज। तो शॉपिंग में तो माशाल्लाह से इनके जैसा कोई हस्बैंड नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल सही ठीक है। और आपको क्या आदत सबसे ज्यादा अच्छी लगती है भाभी की? अभी गुस्सा करो भी तो ये उसको काफी ऑन द लाइटर मूडी लाइटर सॉफ्ट हार्टेडली उस चीज को लेते हैं, कोई मतलब इतना सामने से काउंटर वो जवाब उस तरह से नहीं आता, उस टाइम को सबसाइड कर देते हैं तो वो फिर बात बिल्कुल मेलो हो जाती है। हाँ, जी, बिल्कुल। मतलब खत्म ही हो जाती है। हाँ, खाना है। बहुत अच्छा बनाते हैं, जो भी चीजें हैं बहुत एक्सट्रीमली इनके हाथ में बेताशा ज्यादा टेस्ट है, डैडी मदर को भी सबको बहुत ज्यादा पसंद है। और बैड क्वालिटीज के अंदर आप जिसे कि आपका नेक्स्ट सवाल वही आना था, लेकिन भाभी मैंने पूछा नहीं था ये। हाँ, दिल की बात आ रही है। हाँ, ठीक है। तो ये अपना अपना ज्यादा जितना ख्याल करना चाहिए अपनी जैसे केयर होनी चाहिए, खुद हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। और इसे के कुछ अर्सा पहले बेताशा ऑन द स्लिमर साइड होती थी, तो मैं बार बार इनको कहता हूँ कि एक तो अपनी हेल्थ का ज्यादा और फिटनेस के ऊपर ज्यादा वो कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, वैसे तमाम अपने ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए, वक्त देना चाहिए अपने आप को। बिल्कुल ठीक है। तो आराम करने में ज्यादा टाइम गुजर जाता है, ठीक है, तो वो चीज मैं मना करता हूँ कि थोड़ा सा इस टाइम को थोड़ा सा और फायदा, मैं भी गलती करता हूँ लेकिन ये भी साथ कर रही होती है तो इसलिए इस तरह से चला रहे थे। लेकिन माशाल्लाह आप दोनों बहुत ही एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग कपल नजर आया मुझे, और बहुत ही एक केमिस्ट्री आप लोगों की बड़ी अच्छी बनी हुई है। व्यूवर्स हम यही चाहते हैं इस प्रोग्राम में ये बताना कि ये कराची वाले जो इतने हाई अचीवर्स हैं इनके साथ वो कौन लोग हैं, बिहाइंड द सीन लोग हैं जिनकी वजह से आज ये इतनी कामयाब जगह पर मौजूद हैं। फैमिली का इतना खूबसूरत होना ये बड़ा ही अहम होता है और बड़ा ही खुशनसीबी होती है। शुएब मोहम्मद ऐसे ही खुशनसीब हैं। हम मज़ीद डिस्कस करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपकी ग्रैंड मदर दादी जो थी माशाल्लाह वो भी अपने दौर में बैडमिंटन चैंपियन रही। लव के बगैर कोई भी चीज अधूरी समझ। मैच फिक्सिंग बहुत अफसोस होता है सुन के। वेलकम बैक। बहुत मज़े की बातें हम कह रहे हैं। शुएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट की दुनिया के बहुत बड़ा नाम। और शुएब से हमने जहां और बहुत सारी पर्सनल बातें पूछी हैं वहीं हम मज़ीद आगे भी कुछ बात करेंगे। शुएब फिल्में देखते हैं आप? बिल्कुल कोशिश करता हूं कि टाइम निकाल सकूं, वरना जाके देखना बहुत कम टाइम मिलता है, जाके कम देखते हैं। शौक बहुत है। पाकिस्तानी मूवीज देखते हैं या इंडियन देखते हैं, इंग्लिश देखते हैं, कौन सी ज्यादा देखते हैं? नहीं, मैं को सिर्फ इंग्लिश मूवीज ही का सिर्फ अच्छा, शौक है। ठीक है। और जब भी टाइम मिलता है शौक से तो कभी घर पे ला के तो मेरे पास शायद 200-300 डीवीडीज जमा हो गई जो बिल्कुल अभी रैपर भी नहीं खुले, लेकिन ये कभी एकदम से दिल चाहता है एक दो दिन कोई लगातार दो दिन देख ली, फिर महीनों गुजर जाते हैं नहीं टाइम। ठीक है। कोई पसंदीदा एक्टर एक्ट्रेसेस? बिल्कुल, आजकल तो फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का ज्यादा, वैन डीजल जो है वो बहुत अच्छे, जेसन स्टैथम जो है वो जो ट्रांसपोर्टर फिल्म के हीरो जो है वो, ये तमाम इस तरह के लोग हैं कि हीरोइन भी बता दें कोई एतराज नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल। वैसे वांटेड में थी एंजेलिना जोली, और भी बहुत फाइन एक्ट्रेसेस हैं आजकल तो दुनिया में, बेताशा टैलेंट मौजूद है और पहले भी बेताशा ही था, लेकिन आजकल हमारे पाकिस्तानी लोगों में हमारे जो सिंगर में अगर जो मैं पहले म्यूजिक में बहुत ज्यादा शौक से सुनता हूँ। अच्छा। जिसमें जुनेद जमशेद साहब जब पहले गाया करते थे मुझे बेताशा पसंद थे, और अभी पसंद तो है लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया है बिल्कुल, वहाँ जो सिंगिंग उस तरह वो नहीं है। अब तो नाथ वगैरह बहुत अच्छी पढ़ते हैं लेकिन जो सिंगिंग का एस्पेक्ट था वो मुझे बेताशा ज्यादा पसंद था। ठीक है। और इसके अलावा ये कि हमारे आर्टिस्ट आजकल के जो यंग ब्रीड है वो बेताशा टैलेंटेड है, और एक नया फेस वैल्यू जो है चेंज कर दी हुई है पाकिस्तान
टीवी पे भी एंड येट फिल्म लाइन में भी, तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। अच्छा शुएब, आपकी फैमिली जिस तरह हम बात करते हैं कि क्रिकेट में बड़ा एक नाम है स्पोर्ट्स में, आपकी ग्रैंड मदर दादी जो थी माशाल्लाह वो भी अपने दौर में बैडमिंटन चैंपियन रही, अमीर भी उनका नाम था। जी जी बेशक, बिल्कुल, ज़रा कुछ बताएं। वो हमारे साथ भी काफ़ी अरसे, बल्कि आपके पीछे वाला कमरा ही उनका कमरा था। अच्छा। और यहाँ अक्सर हम लोग इसी जगह पे कभी यहाँ डैडी के साथ मिलके कैरम बोर्ड डेली खेला करते थे। अच्छा। और बहुत ही स्पोर्ट लविंग, और स्पोर्ट के जब इनके जब डैडी वगैरह छोटे होंगे तो उस वक्त से हमेशा अपने बच्चों को वो फाइटिंग एबिलिटी स्पिरिट और नेवर से नेवर वाली एटीट्यूड जो था वो डालने में, वो ग्रूमिंग में उनका बेतहाशा बड़ा हाथ था। ठीक है। और तो जिससे इन तमाम इसे कि इनके पास वो फैसिलिटीज नहीं थी जब ये इंडिया से पाकिस्तान जब माइग्रेशन के टाइम पे हाजी कैंप में रहना, इतने एक ही हॉल में इतने 100 लोगों के और फिर तमाम मतलब मुश्किलात का टाइम बहुत था जब डैडी भी साइकिल पे टेस्ट मैच खेलने जाया करते थे, और ये तमाम मुश्किलात इन लोगों ने देखी। हमारे लिए तो अल्लाह का बहुत करम हुआ कि इन्होंने बहुत आसानी कर दी, लेकिन ये कि इनकी बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स थी हमारी दादी। दादा हम उनको बुलाते थे। अच्छा। पूरे सब फैमिली में उनको दादा के नाम से याद करते हैं हम। ठीक है। लेकिन ये कि ऑलवेज इन वाइट साड़ी, कहीं भी जाना घर में रहना ऑलवेज इन वाइट वाइट, और बहुत अपना नीट एंड क्लीन, सुबह क्रीम लगा के बाल बना के प्रॉपरली नाश्ता करना, वही ठीक है चीजें सारी डैडी और इन चीजें इन सारे भाइयों सारे बच्चों की तरबियत उन्हीं की थी। और वो पूरा एक घराना आज देखिए कि कितना ज्यादा आप लोग सक्सेसफुल हैं। बहुत करम किया कि बेताशा पूरी दुनिया में नाम दिया और क्लीन नाम दिया। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये कि आज की दुनिया में इतने कंसिस्टेंसी के साथ इतने अरसा परफॉर्मेंसेस भी दुनिया में देखे हैं, जेट नाम क्लीन रहे, ये बहुत बड़ी बात है और आजकल के इस दौर में। अच्छा शुएब, हमारे प्रोग्राम में हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हम रैपिड फायर करते हैं। अच्छा ठीक है, ठाक, तो वो रैपिड फायर पास गया हूं। अब आपको जो है ना उन फायर्स का सामना करना पड़ेगा, वो छोटे छोटे से सवाल कुछ बाउंस रहे आप भी कर ले। पहले तो एम्ब्रोस और मार्शल और इन लोगों के करते रहे वेस्ट इंडीज में, ठीक है, लेकिन ये कि आप चलें देखते हैं आप भी कितने करते हैं, कोशिशें करते हैं। ठीक है, शुरू करें। जी बिस्मिल्लाह। सियासत, ये बहुत दूर की बात है, मेरे में और सियासत बहुत बीच में डिस्टेंस है। ठीक है। उम्मीद हमेशा होनी चाहिए। ठीक है। सच्चाई, इससे अच्छी कोई चीज है नहीं अगर मिल जाए। बहादुरी, उसके अलावा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, बहादुरी के अलावा आप आगे नहीं बढ़ सकते। जबरदस्त, बहुत प्यारी बात। हनीफ मोहम्मद, सब कुछ। सब कुछ। जुनून, अगले कदम के लिए, हर ऊंचाई को पाने के लिए एक जो चीज चाहिए वो जुनून ही। ठीक है। और हरी मिर्च, मिर्च बातों में कभी कभी इस्तेमाल कर लेनी चाहिए लेकिन मेरे जबान पे आई नहीं। ठीक है। खानी नहीं चाहिए ज्यादा, खानी भी नहीं चाहिए हरी मिर्च, बल्कि मिर्चें खानी नहीं चाहिए। ठीक है। और शॉपिंग, शॉपिंग अब अफसोस होता है कि इतने पैसे क्यों जाया किए। ठीक है। क्रिकेट, सब कुछ। क्रिकेट दुनिया में पहचान इस क्रिकेट। ठीक है। और लव, लव के बगैर कोई भी चीज अधूरी समझ लें। और फ्लर्ट, फ्लर्ट करने से आप एक लाइफ का एक एस्पेक्ट सीखते हैं। ठीक तो है। वो अगर नहीं अगर आपने किया तो आप कहीं ना कहीं उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार जरूर खाएंगे। ठीक है। फ्लर्ट करने में जब आप जो चीजें आपको इंट्रिकेसीज हैं उसकी है। उसको काउंटर करने में आपको लाइफ का एक कदम तो आगे सिखाती है, चाहे बैड पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने कितना सीखा? मैंने तो काफी सीखा। बस ठीक है, भाभी अभी अभी उठ के गए हैं। हाँ तो इसीलिए तो कह रहा हूं। अच्छा, मैच फिक्सिंग, बहुत अफसोस होता है सुन के, लेकिन अगर कहीं दुनिया में अगर स्पेशली पाकिस्तान से रिलेटेड अगर कोई चीज है तो मुझे तो बेताशा अफसोस होता है और यकीन नहीं आता। और मतलब बहुत ही आपने आपने मुल्क को बेचने के ही है के बराबर है, और कौन अपने घर के अंदर ये चीज करता है, मेरे तो समझ से बाहर है जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है। पकौड़े,
हर रमजान में भी और आज के रोजे में भी वही खाए। सही। और ट्रक? ट्रक से बच के रहना चाहिए, डिस्टेंस। ठीक है। और बाउंसर? बाउंसर को इट्स एन आर्ट, उसको टैकल करना, आइदर टू प्ले वेट और टू हुक इट। यू गॉट टू बी फर्म इन योर बिलीव, कॉन्फिडेंस और टेक्निक आनी चाहिए। यू गॉट टू हैव अ गुड आई फॉर इट, और फिर देन ओनली यू कैन टैकल आइदर बाय हुकिंग और बाय अवेडिंग इट। सही, जबरदस्त। हिमाकत? ऐसी चीजें ये हो ही जाती है ना चाहते हुए भी। ना चाहते हुए भी। और कराची? लव अफेयर विद कराची। मैं जब क्रिकेट खेलने बाहर भी जाता था, दिल चाहता था वापस किसी तरह कराची आता, तो कराची इज माय लव। ठीक है। और सबसे आखिर में शुएब मोहम्मद? कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छी कोई चीज़ों में मेरा भी नाम हो, लोग उसको रिमेम्बर करें। ठीक है। और एक इसलिए कि मेरा नाम सिर्फ मेरा नाम नहीं है, मेरे नाम के साथ इस फैमिली का, मोहम्मद फैमिली का नाम लगा हुआ है। ठीक है। और हनीफ मोहम्मद साहब का नाम लगा हुआ है। ठीक है। तो मेरी कोशिश इसीलिए हर कदम पे पहले ही होती है कि वहाँ इसका आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर मैथ उनके ऊपर ना रिफ्लेक्ट करें, कोई ये ना कहे कि जी हनीफ साहब के बेटे ने ये चीज की, गलत चीज की या कुछ। ठीक है। तो मुझे हर कदम उस तरह से लेना पड़ा। ठीक है। अच्छा शुएब, आपने बहुत सारे मैचेस खेले, टेस्ट मैचेस, इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा आपका रहा, वर्ल्ड कप भी खेले आपने, सबसे ज्यादा 87 का वर्ल्ड कप आपने खेला, तो सबसे ज्यादा मेमोरेबल आपके कौन से मैचेस, कौन सी मूवमेंट आपको? लेकिन ये ना इसमें जो 1988 का जो टूर था वेस्ट इंडीज का, जिसमें इमरान खान साहब, वसीम अकरम, मियादाद, सब का, इन सब का ये कहना था द टफेस्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट सीरीज दे प्लेड अगेंस्ट वाज द वेस्ट इंडीज 1988। और मेरा भी यही है कहना कि वो सबसे बेस्ट सीरीज थी, बहुत टफ ओपोनेंट थे, और जावेद मियादा साहब के बाद सेकंड हाईएस्ट उस सीरीज का मेरा ही स्कोर था। सही। तो उसमें बहुत टफ कंपटीशन था, और बेताशा अप्स एंड डाउन्स आया, दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर्स थे, और इमरान खान साहब बहुत मुझे बैक करते थे उस सीरीज में, उससे पहले भी करते थे, लेकिन ये कि वो बहुत टफ सीरीज थी और उसमें बड़ा मजा आया खेलने का, इसलिए कि दुनिया की, पूरी दुनिया की आंखें उस सीरीज के ऊपर थी। हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं थी, उनकी टीम बेताशा और उन्हीं के अंपायर्स थे, एज मेनी बाउंसर्स वर अलाउड, और तो उसको चैलेंज के तौर पे उस सीरीज को लेना और उसमें से इमर्ज आउट एज विनर आना और अच्छी परफॉर्मेंसेस स्कोर्स करना, वो बड़ा अल्लाह का बहुत करम हुआ, और उसमें अल्लाह ने बेताशा मुझे भी नाम दिया। बहुत कुछ बेमानी उनके अंपायरों ने की, जिसकी वजह से हम सीरीज ड्रॉ कर सके, वरना वो 35 साल बाद वो सीरीज हार जाते और हमारा बेताशा ज्यादा नाम होता उस सीरीज का। ठीक है, ठीक है। अच्छा हम क्योंकि बहुत सारी बातें की, बहुत सारा एक हमने आपसे डिस्कशन भी की, थोड़ी सी प्राइवेट लाइफ को भी डिस्कस किया, हम क्योंकि कराची के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसा मैसेज जो हमारे कराची के लिए और कराची वालों के लिए? देखिए कराची इज द बेस्ट प्लेस अराउंड इन दिस होल वाइड वर्ल्ड फॉर मी एटलीस्ट। अगर मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ और उस जगह में मुझे दुनिया में दूसरी जगहों से ज़्यादा अगर यही मुल्क और ये शहर अगर ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो दे गॉट टू बी रीज़न बिहाइंड इट। यहाँ हर दुनिया की वो फैसिलिटी है, वो हर अपॉर्चुनिटी है जो आप अगर चाहें, अगर आपकी अर्ज हो, इतना फोकस, आप डिटरमिंड हो, ऊंची से ऊंची पहाड़ के ऊपर अगर आप चाहें, क्या पहले दिल में और दिमाग में सोचा जाए और फिर उसके लिए नेक्स्ट कदम जो है उस तरह होप जैसे आपने पूछा, उम्मीद जैसे, और उसके पीछे हार्ड वर्क, वो तमाम चीजें करें, तो वो दुनिया की जो बाहर चीजें वो यहाँ आपके लिए यहाँ है। यू जस्ट गॉट टू रीच फॉर देम। आपको उसके लिए कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, सोच बढ़ानी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अल्लाह ने यहाँ भी सब कुछ दिया, और ये मैं समझता हूँ कि हमारा कराची सबसे दुनिया में अच्छी जगह है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत आपने बात की कराची के हवाले से भी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। व्यूवर्स, कराची में वाकई ही सब कुछ है, और कराची के अंदर रहने वालों में भी बहुत हिम्मत, बहुत हौसला और बहुत जज्बा है। इसी जज्बे, इसी हौसले को आप तक पहुंचाना हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है। अपने नए एपिसोड में नए कराची वाले के साथ मौजूद होंगे। हिना नकवी को सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।